जो मुसलमान एक दूसरे को सलाम नहीं करते, गिरोहों में बटे हुए हैं, जमातों में बटे हुए। अरे अगर आपकी जमात हक पर है, यू विल बी सक्सेस इन द आफ्टर हियर। अगर आप सही जगह पर हैं तो आप कामयाब, हम सही जगह पर हैं तो हम कामयाब। लेकिन जहां पर दुश्मनान इस्लाम, द एंटी ऑफ मुस्लिम, एंटी ऑफ एनिमीज ऑफ इस्लाम, एंड दे वांट टू वाइप ऑफ फ्रॉम द अर्थ इन एंटायर वर्ल्ड, वो आपको मिटाना चाहते हैं, तो उनको डराने के लिए कम से कम अपने आप को दिखावा करो कि वी आर टुगेदर, वी स्टैंड, वी विल फाइट विद इन वन बॉडी इन वन पार्ट। हम एक हैं, हम डिवाइड नहीं हैं। लेकिन ये हम अपने कौल से भी, अपने फैल से भी दिखाते हैं कि जनाब हम बटे हुए, हम अलग अलग हैं, आओ मारो हमको। मौलाना अब्दुल्ला न मालूम किस जमात से, शेख अल हफीज कौन से जमात से, डॉक्टर जाकिर नायक कौन से जमात से है, सनाउल्ला मदरी कौन से जमात से है, फना साहब कौन से जमात से है। अगर ये कुरेदोगे तो यहां कब्र खोद दी जाएगी भारत में तुम्हारी। उनके बंदूक से निकलने वाली गोली नहीं पूछेगा कि अब्दुल्ला सालिम का सीना है, तुम कौन से जमात से बिलोंग करते हो। वो सिर्फ ये देखेगा कि मौलाना अब्दुल्ला कलिमा पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, सनाउल्ला मदनी साहब कलिमा पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, डॉक्टर साहब कलिमा पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। वो ये नहीं देखेगा ये मुसलमान है, ये अलग तरीके से नमाज पढ़ता है, ये फला मुसलमान है, ये अलग तरीके पर नमाज पढ़ता है, इनके पास दलील के ये किताबें मौजूद हैं, इनके पास अलग किताबें मौजूद हैं। एवरी कलिमा को, तमाम के तमाम कलिमा पढ़ने वाले, टोपी और दाढ़ी वाले, मस्जिद मदरसा वाले जितने भी हैं, उनके टारगेटेड हैं, उनका टारगेट बनाने का मिशन और मकसद है। ये बात हमें क्यों समझ में नहीं आती? बताओ आरएसएस के कितनी तंजीमें, एक तंजीम नहीं है, सिर्फ एक जमात है उनकी। बताइए हिंदू महासभा, भारत की सबसे पुरानी धार्मिक तंजीम है हिंदू महासभा, कितनी तंजीम है उनके? एक भी तंजीम नहीं। जिनके 33 करोड़ खुदा, उनकी कितनी मनादिर है। मंदिर भगवानों का अलग जरूर होगा, लेकिन ब्रह्मा जी का जो मंदिर होगा, उस मंदिर में शिव जी को मानने वाला भी नतमस्तक हो सकता है। जो बजरंग बली को मानने वाला होगा, वो गायत्री मंत्र आकर उस मंदिर के अंदर पढ़ सकता है। जब उनके अंदर इख्तिलाफ नहीं, जहां पर इत्तेहाद का कोई पैगाम नहीं है, हमारे मजहब में तो अल्हम्दुलिल्लाह इत्तेहाद का पैगाम है, हमारे मजहब में तो हदीस भरे पड़े, अल मुस्लिम का जसद वाहिद, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, इन्नमल मुमिनून इख्वा, कुरान कहता है, अल्लाह के नबी की हदीस कहती है कि तमाम मुसलमान एक जिस्म के मानिन। इन स्पाइट ऑफ दैट, राइट नाउ वी आर इन वेरियस पार्ट ऑफ इस्लाम, वी हैव डिवाइडेड इनटू लॉट ऑफ पार्ट्स, अलग अलग जमातों में बटकर हमने जनाब अपने रास्ते अलग बना लिए। ये पिटें तो पिटने दीजिए, ये पिटाए मरना है तो मरने दीजिए, इनको जेल होती है तो होने दीजिए। इबरत हमें हासिल करना चाहिए आज की तारीख के भारत के उन नॉन मुस्लिमों से जो एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाते हैं। हम मुसलमान नहीं हो पाते एक प्लेटफॉर्म पर जमा। हम तो यही कहते हैं कि जनाब मसलकी इख्तिलाफात के ऊपर हम नजर न करते हुए इन चीजों को हम उलमा पर छोड़े। जैसे भी हमारे मसाइल हैं कुरान और हदीस के रोशनी में हल किए जाएंगे, लेकिन हम लोग कलमे की बुनियाद पर वी शुड बी इन वन पार्ट, हमें एक प्लेटफॉर्म पर आना वक्त की ज़रूरत है। अगर नहीं आए, नहीं आए तो आपके लिए कब्र खोदी जा चुकी, मनुस्मृति उसका कानून बन चुका है इस देश में लागू करने के लिए। आपको पता है 6 दिसंबर को क्या क्या हुआ था? 6 दिसंबर को ही मस्जिद शहीद की गई थी, पूरी तारीख मैंने बयान किया भी पूर्णिया के प्रोग्राम में, कैसे कैसे किस प्रोपेगेंडे किस हथकंडे से उसको कब्जा किया गया।
पहले बवाल शुरू हुआ, उसके बाद फिर तहरीकें चली 1880 के अंदर, उसके बाद फिर 1980 से जोर पकड़े। 1949 में बाजाब्ता तौर पर पाबंदी ताले लगा दिए गए। 1980-85 से मिशन शुरू हुआ, परमिशन दी गई पूज्य पात्र प्राप्त करने की। उसके बाद फिर 6 दिसंबर 1992 को उनके ढांचे को ढा दी गई, सारे इशारों इशारों में हो गए। और उन्होंने कहा एक धक्का और दो, फना फना जगह को तोड़ दो। इस तरह के अल्फाज, इस तरह के नारे 6 दिसंबर को मथुरा की सरजमीन पर, वहां की ईद, वहां के ईद गांव में श्री कृष्ण जी की मूर्ति रखने की कोशिश की गई। इस बार वहां के सीएम की निगरानी में और सारे सबके चेहरे चमक रहे थे कि आज इस ईदगाह को उखाड़ कर फेंकेंगे। यही करने के लिए कुर्सी पर बैठे हो तो बोलो ना, कहो ना, साफ लफ्जों में कहो कि हम चाहते हैं, दे देंगे, कुर्बान कर देंगे हम तुम्हें। लेकिन गलत पॉलिसीज और गलत नीयत से, गलत तरीके से जजों को खरीद कर अदालतों को गुमराह करके तुम लोगों के बीच में कहते हो हमने केस जीता। जब बनाने की बारी थी तो बिल में घुसे हुए थे 676 दिन इस मुल्क में मुस्लिम एम्पायर ने हुकूमत की, कितने परसेंट में थे मुसलमान? 24% उस वक्त, और बाकी 66% में कौन लोग बचे थे? हमारे नॉन मुस्लिम भाई। उठाइए आज ही की रिसर्च और आज ही की तहकीक, अयाश नैयर साहब की है, उन्होंने ये बात लिखी कि जब इतने सौ साल के बावजूद भी इनकी तादाद नहीं पड़ी, 24 ही रहे, 666 साल तक रहे लगातार कंटिन्यू इनकी हुकूमत थी, सब कुछ होने के बावजूद इनकी तादाद 24 रहे और जनाब उनकी तादाद उतनी ही रही। तो क्या पैगाम मिलता है कि कहीं पर भी इसने फोर्स किसी को नहीं किया, इस्लाम मजहब के मानने वाले इनके बादशाह ने जुल्म ज्यादती नहीं की। आज चले हो आप 6 दिसंबर को मथुरा की ईदगाह में श्री कृष्ण जी की मूर्ति रखो, याद रखो श्री कृष्ण जी ने अधर्मियों के लिए कहा यदा यदा ही धर्म सगला निर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सुरजामहम। तुम्हारे इन नापाक हरकतों को मिटाने के लिए कल की अवतार आएगा तुम्हारे अकीदे के खिलाफ और तुम्हारे वजूद को खत्म करेगा, हमें यकीन है। एक मस्जिद हत्याने की कोशिश की, वो राज्यसभा का टिकट देकर आपने उनके ईमान अकीदे को खरीदा और उसने भी अपना जमीर बेच लिया। अब तुम मथुरा की ईदगाह को लूटना चाहते हो, कई एकड़ में वो ईदगाह बने बनाए हुए और कहते हैं कि श्री कृष्ण जी वहां पर पैदा हुए और वहां पर बादशाह ने ईदगाह को बनाया। कहीं से कहीं तक मर जाओगे, सातवां पुश्त तुम्हारा कब्र से उठकर आ जाएगा, तब भी ये साबित नहीं कर सकता कि मथुरा के जो ईदगाह है वहां पर श्री कृष्ण जी पैदा हुए थे। अरे श्री कृष्ण जी तो 8वें अवतार थे ना विष्णु के, विष्णु के वो अवतार थे और विष्णु वो थे जो परमात्मा थे। और मैं 100 मरतबा दलील दे चुका हूं कि परमात्मा कभी जन्म नहीं लेता। पूछो इन डुप्लीकेट सीएम को, इन इख्तदार में बैठे हुए ताकत के नशे में चूर इन अय्याशों को पूछो, मैं दलील दूंगा, समझाऊंगा और कहूंगा कि परमात्मा कभी पैदा नहीं होता। उठाकर देख लो अपने ग्रंथों को।